अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ रसान रजा, वेलकम टू माय चैनल किचन व्लॉग। तो आज मैं आपको जो रेसिपी बनाना सिखाऊंगा वो है लोडेड फ्राइज। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 4 पोटैटो, इनको हम पील कर लेंगे। मीडियम प्याज लेंगे, इनको हम बारीक चॉप करेंगे। ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 4 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 2 टेबलस्पून मायोनीज, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबलस्पून विनेगर, 50 ग्राम हमें मोजरेला चीज़, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। चिकन ब्रेस्ट हम यूज़ करेंगे 100 ग्राम, इनको जूलियन कटिंग कर लेंगे। 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, और डीप फ्राई के लिए हम लेंगे ऑयल। अब हम अपने पोटैटो कटिंग करेंगे। देखें वेस्ट पॉइंट की आप ये मशीन यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी कटिंग है इसकी, शार्प भी है काफ़ी। देखिए मटेरियल भी इसका बहुत अच्छा है। देखिए ऐसे हम पोटैटो उसके अंदर रखेंगे ऐसे। ये आपका पोटैटो देखिए, देखिए ये साइज पोटैटो का। देखिए एक और करेंगे, ये देखें पोटैटो। इसी तरह से हम सारे पोटैटो कट्स करेंगे। देखें सारे पोटैटो हमारे कट हो चुके हैं। अब हम इनको ब्लांच करेंगे। और एक बात अब मैं आपको बता दूं कि जब हम ब्लांच करेंगे तो 5 मिनट से ज़्यादा हम ब्लांच नहीं करेंगे। अगर 5 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया तो आपके फ्राइज बीच में से टूट सकते हैं, इसकी कोटिंग अच्छी नहीं होगी। तो हमने गर्म पानी पैन के अंदर रख दिया है। अब हम इसको ब्लांच की तरफ आते हैं। अब हम इनको ब्लांच करेंगे। पाँच मिनट तक हम इनको ब्लांच करेंगे, और जब तक ये ब्लांच हो रहे हैं इतने में हम अपने चिकन की कोटिंग कर लेते हैं। तो आइए चिकन की तरफ चलते हैं कोट करने के लिए। अब हम अपने चिकन को कोट करेंगे। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 पिंच, हरी हम पिंच लेंगे चिकन पाउडर, 1 पिंच हम हरे लेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर क्रश करेंगे इस पर, 1 पिंच क्यों यूज़ कर रहे हैं, 1 पिंच इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जब हम इसकी सॉस रेडी करेंगे तो ये सब सॉस में होगा पहले से। तो हम सॉल्ट ज़्यादा नहीं कर सकते, ब्लैक पेपर को ज़्यादा नहीं कर सकते, चिकन पाउडर को ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए 1 पिंच हम लेके चलेंगे। इनको अब हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, थोड़ा सा होगा ये कोट, ताकि अच्छी तरह से कोट हो जाए। कॉर्नफ्लोर, गुड मिक्स। देखें मिक्स करने के बाद हम 10 से 15 मिनट तक हम इसको रेस्ट देंगे। चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको। देखें ये कोट हो चुका है। अब हम 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे। और अब हम चलते हैं अपने फ्राइज की तरफ जो कि ब्लांच हो चुके हैं। देखिए हमारे पोटैटो ब्लांच हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पोटैटो ब्लांच हो चुके हैं, सारा स्टार्च इसका निकल चुका है। अब हम इसको ड्रेन करेंगे। ये हम इसको ड्रेन कर रहे हैं। आराम से ड्रेन करें, संभाल से ड्रेन करें, क्योंकि इसमें बहुत तेज भाप जो निकल रही है उससे आपका हाथ भी जल सकता है। ये देखें ब्लांच हो चुके हैं। ये देखें अब हम इसको ड्राई करेंगे। ब्लांच हो चुके हैं। अब साफ कपड़ा लेंगे, उस पर हम अपने पोटैटो रख देंगे।
और इनको हमें खुशक करना है, बिल्कुल ड्राई करना है, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई करेंगे इनको, ताकि हमारा कॉर्नफ्लोर जो है वो इस पर अच्छी तरह से कोट हो सके। ये देखिए सर, ड्राई कपड़ा ये हो, ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसको कोट करेंगे कॉर्नफ्लोर से। एक बाउल लेंगे, अब इनको बाउल के अंदर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर अब हम इनको अपने हाथ से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब हम अपने ऑनियन की तरफ आते हैं, ऑनियन थोड़ी सी फ्राई करेंगे। अब हम अपनी ऑनियन फ्राई करेंगे, ये मैंने मीडियम फ्लेम ऑन कर दिया। वन टेबल स्पून ऑयल, ऑनियन, बिल्कुल ऑनियन का कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए, लाइट लाइट सब ब्राउन कलर्स में हम देंगे। और जब तक हमारी ऑनियन हो रही है, इतने में हम अपने फ्राइज डीप फ्राई कर लेते हैं। हमने पोटैटो में कॉर्नफ्लोर इस तरीके से मिलाना है कि कॉर्नफ्लोर कहीं से खुशक ना रहे, गीला रहे थोड़ा, क्योंकि जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो कॉर्नफ्लोर अलग से हट जाएगा आपकी पैन में से। अगर हम गीला गीला ऐसे रखेंगे, इसको अपने हाथ से मिक्स करेंगे, आलू को अपने हाथ से मिक्स करेंगे, तो कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाएगा, चिपक जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम इसको डीप फ्राई करते हैं। सबको डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारे फ्राइज हो चुके हैं। अब मैं इसको निकालूंगा। आराम आराम से सारे फ्राइज निकाल लें, और इसी ऑयल में, क्योंकि पैन ये हीट है, ऑयल भी हमारा गर्म है काफ़ी, तो हम इसी ऑयल के अंदर जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी है उसको ऐड करेंगे। ये आ चुके हैं सब। अब हम इसी ऑयल में चिकन करेंगे मैट। सारी चिकन हम ऐड करेंगे इसमें, ताकि ये भी हाथ के हाथ बन जाए। ये देखें, ये देखें, चिकन सारी ऐड हो चुकी है। जब सारी चिकन हो चुकी है ऐड हमने कर दी, जब तक चिकन फ्राई होती है, जब तक हम इसकी सॉस रेडी कर दें। चलें सॉस की तरफ चलें। केचप, मस्टर्ड पेस्ट इसमें हम ऐड करेंगे, मायोनीस, विनीगर, चिकन पाउडर, सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर इस पर क्रश करेंगे। बस गुड मिक्स, मिक्स वेल। हमारी सॉस रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल ये बनेंगे फ्राइज। आप लोग इसको अपने अपने घरों पर ट्राई करें।
ये देखें रेडी हो चुकी है, इतने में हमारी चिकन हो चुकी है फ्राई। अब हम अपने चिकन की तरफ चलते हैं। हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है, जैसा कि आप देखें कैसे गोल्डन कलर आया प्यारा सा, देखें ठीक है। अब हम इसको निकाल लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ, थोड़ा सा हमें इसको कट करना है, आ जाए बीच बीच से थोड़ा सा कट करेंगे। ये देखें हाफ हाफ करते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास चिकन ज़्यादा है तो आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पे चिकन थोड़ी कम है इसलिए हम थोड़ा हाफ करेंगे इसको ताकि अच्छी लगे। चलें अब हम इसके प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। इसकी अब क्वांटिटी आप देख सकते हैं बढ़ चुकी है, देख लें। अगर आपके पास चिकन ज़्यादा है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको कट करें। चलें अब हम इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे, हमारे फ्राइज भी बहुत अच्छा बने, क्रिस्पी क्रिस्पी, आप लोग ज़रूर घर में ट्राई करें। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए हैं, ये दोनों को पसंद आएंगे। ये हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। जो हमने चॉप करी थी प्याज को वो उसमें ऐड करेंगे, ऊपर से फ्राई जो करी थी। ये देखें ये प्याज इस पर आ गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, ब्राउन ब्राउन चिकन ऐड करेंगे। देखें चिकन ऐड हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला क्रश करके डालेंगे, इसको ग्रेट करेंगे, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ग्रेट कर लें इसको। और भी अच्छा लगेगा जब इसमें आप पिज़्ज़ा की तरह लेयर जैसे बनते हैं वो बनेंगे इसमें। माइक्रो ओवन में भी इसको घुमा सकते हैं आप लोग। ये देखिए ये हो गए। अब इसके ऊपर हम अपनी सॉस ऐड करेंगे, ये हमारी सॉस आ गई, ये हमने सॉस ऐड कर दी इस पर। सॉस आ गई, अब हम इसको 2 मिनट के लिए ओवन के अंदर घुमाएंगे ताकि इसकी चीज़ मेल्ट हो जाए। अब हमने ओवन कर लिया, हमारी मोज़रेला चीज़ जो है मेल्ट हो चुकी है, फ्राइज हमारा रेडी हो चुके हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।